हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। काफी टाइम बाद मेरी वीडियो आ रही है और मैं वेट कर रही थी अपना मीशो से, जो मैंने शॉपिंग करी है, थोड़ी बहुत छोटी सी करी है, तो वो उसका वेट कर रही थी। जो भी सामान मंगाया मैं उनको एक साथ दिखाऊं, तो मैं दिखा रही हूँ सबसे पहले। और मीशो का ये सामान है कि उसको खोल के चेक करना पड़ता है, मैं वही जाके चेक करती हूँ, तो इसलिए वो सारा सामान खुला हुआ है। और सबसे पहले मंगाया है मैंने ये हुक है जो दीवार पे फिट हो जाते हैं, तो देखिए ऐसे हुक है ये ट्रांसपेरेंट वाले, तो इनको यहाँ से निकाल के ऐसे ही दे रखी है, यहाँ से ऐसे खींच के इसको आप दीवार पे या टाइल्स कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो इसके रिव्यू अच्छे थे तो मैंने मंगा के देखा है, तो अभी लगा के दिखाऊंगी मैं कि ये टिकता है कि नहीं टिकता है। मुझे घड़ी टांगनी है तो इसका दिखाऊंगी मैं कि ये कामयाब है कि नहीं है, ले कि ना ले। तो ये वाला है और इसमें आए हैं 10 पीस, ये हैं 10 पीस और काफी अच्छी पैकिंग में आया है। ये ऐसे पॉलीथिन में था, मतलब पॉलीपैक में था, और ये फिर बॉक्स में आया है। तो इसके रेट मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लेना जाके। सेकंड चीज मंगाई है मैंने, आप लोगों को मालूम होगा कि बच्चों को जो पोटैटो फिंगर चिप्स है वो काफी पसंद आते हैं, तो उसके लिए मैंने ये मंगाई है। देखिए तो टिंटिन तो बहुत खाता है इनको, तो ये मंगाया मैंने। इसपे ये ब्लेड है, दिख रहा होगा आपको, इधर से बंद करती हूँ, ब्लेड दिख रही है, तो उसपे फिंगर वाली ब्लेड है और इससे इसके ऊपर भी है देखो। और ये अगर ये इसमें फंस जाता है आलू, तो इसको ऐसे ऐसे करके निकाल भी सकते हैं, और इसको ऐसे करके आलू को ऐसे करके और ऐसे करना है। तो ये मंगाया है सेकंड चीज, और ये भी मैंने खोल ली थी क्योंकि मीशो से मंगाया था, तो देखना तो बनता है, चेक करना तो बनता है, तो ये मंगाया मैंने, तो इसके भी रेट मैं मेंशन कर दूंगी। थर्ड चीज मंगाई है मैंने, हनी क्यूब्स मंगाए थे, तो जो शहद वाले जो होते हैं ना, ये शेप में आए हैं और ये सिलिकॉन वाले आए हैं, सॉफ्ट है बड़े, देखो। तो मैंने गर्मी आ रही है तो उसके लिए मैंने, चीकू को पसंद है क्यूब डालना, तो एक छोटा सिलिकॉन के उसमें तो है मेरे पास, पर मैंने दो और मंगा दूंगी, तो ये दो चीजें मंगाई है। और इसमें दिखाऊंगी मैं जब पानी मतलब फ्रीज करूंगी तो इसको दिखाऊंगी। और ग्रीन येलो दोनों इसमें आए हैं, अलग अलग आए हुए हैं, और ये काफी क्यूट से लग रहे हैं। ये देखो इनकी शेप, मक्खी का छत्ता होता है ना उसके साथ, देख उसके जैसे आए हैं, और सॉफ्ट भी हैं। तो देखूंगी इनको यूज करके कैसे होते हैं और फिर बाद में बताऊंगी आपको, एक वीडियो ऐसी भी डालूंगी कि जो जो मैंने सामान मंगाया वो कितना यूजफुल है, तो वो भी बताऊंगी मैं आपको। तो देखिए तो इसका रेट भी मैं मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लेना जाके। और मंगाया है मैंने, ये भारी रहेगी चीजें, साथ के साथ रख भी देती हूँ, नहीं तो सामान फैल जाता है। फिर से मंगाई है मैंने कपूरदानी, और एक ये है और एक ये है, दो है मेरे पास फिर से कपूरदानी, दो मंगाई है। और ये मंगाई मैंने भाई के लिए, भाई ने बोला कि मेरे लिए भी मंगा दो, तो मैंने दोबारा से मंगाई है क्योंकि काफी यूजफुल है ये कपूरदानी। और इसमें ऐसे प्लेट आती है और ये ऐसे आता है ऊपर से, आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। इसमें कपूर रख के ये गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, प्लग वाला है, तो काफी यूजफुल चीज है, तो इसलिए मैंने दोबारा मंगाई है ये। तो इसको रख देते हैं, इनको भी साइड कर देते हैं। और एक मंगाया है मैंने, ये मैंने अमेजोन से मंगाया कि फ्लिपकार्ट से, मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि काफी सारी चीजें मंगाई हैं, तो दिखाती हूँ। ये शायद मैंने किसी अमेजोन से है या फ्लिपकार्ट से, मुझे ध्यान नहीं आ रहा,
इसकी पैकिंग देखो कितनी अच्छी आई है। तो इसमें एक फेस एंड बॉडी स्क्रब है, ये है बेला वीटा का प्रोजेक्ट, ऑर्गेनिक है बिल्कुल। और ये नट्स वाला है, अखरोट के छिलकों से बना हुआ है ये देखो। तो ये इसको दिखाऊंगी जब यूज करूंगी ना, तो इसको दिखाऊंगी। ये इसके साथ फ्री आया है ये छोटा वाला। और ये है फेस टोनर है, तो इसके साथ इन्होंने फ्री दिया है। और मैंने मंगाया था असल में ये बेला वीटा के में जो परफ्यूम है वो मंगाया था, और ये मिल रहे थे 10 एक साथ, और छोटी छोटी शीशियां ये 50-50 ml की होंगी। तो इसमें सारे जो ऐसी शीशियां हैं इसमें छोटी छोटी, और काफी अच्छी खुशबू है, और ऐसे ये 10 है ऐसी शीशियां इसमें। तो ये मेरे को अच्छे उसमें मिल गई है मुझे रेट में, ये कुछ 300 कुछ का था ये मतलब, और 10 इसमें है। इसके साथ मैंने ये मंगाया था, स्क्रबर है ये, और इन सब चीजों के साथ ये जो फेस टोनर ये फ्री मिला है मुझे। और इसमें सारी वैरायटी के है इसमें, मतलब सब परफ्यूम इसमें सारी वैरायटी की है देखो। और इसमें यहाँ पे मेंशन करा हुआ है कौन कौन सा है, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। तो आपको जो भी पसंद आता है आप उसमें बड़ा साइज भी मंगा सकते हैं। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इनकी। तो ये थी मेरी अब तक की थोड़ी बहुत शॉपिंग, और ये देखो इसमें पैकिंग में ऐसा पेपर आ रहा है। तो पैकिंग काफी अच्छी आई है इसकी, और इस पे जो ये कैशबैक है थोड़ा मेरे को फ्री मिल गया इसमें कैशबैक, ये वाला कैशबैक है दिख रहा है आपको। तो इतनी सी थी शॉपिंग मेरी, और आप मुझे बता सकते हैं सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी, कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों यहीं पे आपको बाय बाय, फिर मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय दोस्तों, ख्याल रखिए अपना। अभी मैंने घड़ी पे वो लगा के देखा था जो मैंने हुक मंगा रखे थे ना, घड़ी वाले ट्रांसपेरेंट वाले, दिखाऊंगी अभी आपको, शायद वीडियो में आपको साफ तरह से सही तरह से पता ना चले, तो अभी दिखाती हूँ आपको। देखिए ऐसे वाला है ये, तो इसको आप दीवार पे लगाएंगे ना, तो ये हुक टांगने के लिए मैंने सोचा घड़ी पे लगाऊं, क्योंकि घड़ी जो है थोड़ा ऊपर थी और कील उसकी बहुत छोटी थी, तो मैंने सोचा शायद इस पे आ जाएगा ये, तो अभी लगा के देखा था मैंने। तो ये मैंने हुक यहाँ पे घड़ी टांगने के लिए लगाया है, ये रहा ये घड़ी टांग, तो देखती हूँ इस पे टकती है कि नहीं टकती है, और कहीं घड़ी का बलिदान ना मांग लेंगे। तो अभी बड़ी मुश्किल से चिपकाया है इसे मैंने, और कितनी देर टिकता है देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये ठीक है कि नहीं है ये हुक जो मैंने मंगाया है। तो लगा दी है मैंने घड़ी, और इसके नीचे मैंने बीन बैग रखा है कि घड़ी अगर गिर भी जाती है तो शायद बच जाए, उम्मीद तो यही कर रही हूँ। और इधर उधर कुशन डाल देती हूँ, यहाँ पे ऐसे कुशन रख देती हूँ, सुबह तक अगर टिक गई तो ये तो बढ़िया है, और नहीं टिकी तो फिर रिजेक्ट। और ये ऐसे कुशन रख दिया मैंने, गिरेगी तो आराम से नीचे गिर जाएगी। तो दोस्तों अभी अभी उठी हूँ मैं 6 बजे आवाज से सुन के, तो ये देखो घड़ी नीचे गिर रखी है, और मतलब सक्सेसफुल नहीं था वो, और वो तो अच्छा है कि मैंने कुशन रख दिए थे रात को ही। तो ये पीछे का इसका यहाँ पे गिरा हुआ है नीचे, तो अब इसको मुझे लगाना पड़ेगा कील से ही, और इसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये बहुत ही लाइट वेट घड़ी है, तो इसको भी नहीं संभाल पाए ये, तो अब देखती हूँ कहाँ इसका यूज़ करती हूँ मैं, कैसे इसको मतलब कहीं यूज़ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास 10 है तो क्या लगाऊंगी इस पे। तो इसको घड़ी को मैं बाद में लगाऊंगी, इसको कील पे ही लगाना पड़ेगा, और चलो देखते हैं फिर। तो मैंने यहाँ पे लगा दी कील,